मंडल, रामचरितमानस से बड़ी बड़ी अच्छी कथाएं आप सुन रहे थे और वो भी तुलसीकृत रामायण। लेकिन भैया आप सभी जानकार यहां बैठे हैं कि रामायण सतकोट अपारा, सतकोट रामायण। तो लीजिए आनंद रामायण से बड़ी अच्छी अछूती कथा। और YouTube वाले भी भैया ध्यान से सुने, ये मेरी रचना पहली बार रिकॉर्ड होगी आपकी YouTube में। महलों में अपने अनुज के साथ श्री राम जी विराजमान थे। ध्यान देने वाली बात है, बड़ी अच्छी कथा है। राम जी ने कहा अपने छोटे अनुज लक्ष्मण भैया से कि भैया चलो आज अवध का बाजार घूमकर आते हैं। अनंत रामायण की कथा है। ये हो अवतारन श्री राम और भाई लखन को साथ ले तो चले घूमने, चले घूमने ग्राम दोई दशरथ के छैया। आज अवधपुरी के बाजार में घूम रहे हैं और अवध बीच बाजार में क्या सुनते लछो मानो भैया। अवध के बाजार में व्यापारी आवाज लगा रहे थे कि हाय प्रभु तेरी माया और कहीं धूप कहीं छाया। लखनलाल बड़े अचंभे में पड़ गए कि प्रभु जी के साथ सारा जीवन मैंने साथ साथ बिताया है लेकिन मुझे माया का ज्ञान नहीं है कि माया होती क्या है। बड़े विचलित हो जाते हैं लखनलाल। प्रभु राम जी के चरणन पकड़कर विनती करते क्या कहते हैं, क्या हे प्रभु, जब से मैंने सुना है तुम्हारी माया के बारे में, क्या कहते हैं लखनलाल, और मन मेरा भटकता है बेचैनी सी होती है, मन मेरा मचलता है हलचल होती है। जब से मैंने सुना है कि माया भी कुछ होती है, तुम माया कैसे करते हो प्रभु मुझे भी बताओ। अरे ये माया है क्या चीज है प्रभु, और ये माया है क्या चीज और मुझको बताओ, और ये होती है कैसे, होती है कैसे, होती है कैसे, और ये होती है कैसे करके दिखाओ। ये माया है क्या चीज, ये माया है क्या चीज मुझको बताओ, बोले तो बताओ ये माया क्या है।
अरे ये माया है क्या जी, ये माया है क्या जी, मुझको बताओ ये माया है क्या जी, मुझको बताओ ये माया है क्या जी, मुझको बताओ। ये माया है क्या जी, ये माया है क्या जी, मुझको बताओ ये माया है क्या जी, मुझको बताओ ये माया है क्या जी, मुझको बताओ। हेलो, माया को देखने के लिए लखनलाल राम जी से बार बार यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुमने मुझसे बड़ी बेईमानी की है, मुझे माया आज तक नहीं दिखाई, माया देखने को मैं कितना विकल हो रहा हूँ, माया से क्यों दूर रखा वो समझ आता नहीं, माया से क्यों दूर रखा वो समझ आता नहीं, माया से क्यों दूर रखा वो समझ आता नहीं। साथ में हर दम में रहता, साथ में हर दम में रहता, बेईमानी क्यों करी, साथ में हर दम में रहता बेईमानी क्यों करी, साथ में हर दम में रहता बेईमानी क्यों करी। ये माया है क्या जी, ये माया है क्या जी, मुझको बताओ माया है क्या जी, मुझको बताओ माया है क्या जी, मुझको बताओ। और राम जी भी बड़ा विचार कर रहे हैं कि हो तो ये गलत गाया, वास्तविक में लखनलाल को माया आज तक राम जी ने नहीं बताई थी कि माया क्या होती है। मन में मन विचार करते हैं कि अब तो लखनलाल को माया दिखाना पड़ेगा, क्योंकि भारी जीत पर अड़े हुए हैं। उजालमन बाबा समिति आपकी ओर से यह अनमोल राशि, बहुत बहुत धन्यवाद भैया सभी को। लखनलाल से तो मेरी बदनामी नगर में होगी, डगर में होगी, महलों में होगी, चर्चा रुकती नहीं है, चर्चा जरूर पहुंच जाएगी कि मैं बेईमान हूं। जय हो। अरे डगर में भी होगी ये, नगर में भी होगी, और बात फिर तो माया की महलों में होगी। क्योंकि मेरा भाई है, अगर छोटे भाई का, अगर छोटे भाई को और दुखी मैं करूं तो, इधर भाई चारे की तो ही नहीं, अगर छोटे भाई को तो ही मैं करूं तो, इधर भाई चारे के तो ही, शंका भाई भाई की, अरे शंका भाई भाई की दूर ना करूं तो, अरे राज घराने की तो ही न हो, शंका भाई भाई के तो ना करूं तो, अरे भाई तारे के तो ही न हो, शंका भाई भाई को तो ना करूं तो, अरे भाई तारे के लखनलाल से कहने लगे, प्रभु
प्रभु राम जी कि भैया मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें माया जरूर दिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, मौका आने दो। अर शुभ घड़ी जब तलक आएगी वो नहीं। अरे इंतजार करो, हे भैया लक्ष्मण। अरे इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार इंतजार करो, इंतजार करो। अब मैं तुमको माया जरूर दिखाऊंगा, अब सारी बातों की जिद छोड़ो और मेरे साथ महलों में चलो बाजार से। जंजाल बड़ा बड़ा होता है लक्ष्मण, सोच लो। इंतजार 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 करो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार इंतजार तो आने दो। धीरे धरो, हमारे परमादरणीय सम्मानीय बनवाले केवट साहब आपकी ओर से आशीर्वाद 101 रुपए का, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें माया दिखाऊंगा तो आने दो, उस बात का ध्यान आ गया। एक दिन बैठे बैठे कहने लगे, भैया चलो सरयू जी में स्नान करने चलते हैं। लखनलाल भी साहर राम जी के साथ सरयू जी में नहाने के लिए जा रहे हैं। बोलो भैया पहले गोता तुम लगाओगे सरयू जी में आज। लखनलाल गोता लगाते हैं, क्या होता है देखिए, प्रभु की माया यहां से प्रारंभ होती है। हर देखते ही देखते वो, जैसे लखनलाल ने सरयू में गोता लगाया कहां पहुंच जाते हैं,
अरे देखते ही देखते वो पहुंचे हैं पाताल में। अरे छोटे भैया फंस गए, छोटे भैया फंस गए, छोटे भैया फंस गए, और माया के जंजाल में। अरे देखते ही देखते वो पहुंचे हैं पाताल में। देखते ही देखते वो पहुंचे हैं पाताल में। देखते ही देखते वो पहुंचे हैं पाताल में। छोटे भैया फंस गए, छोटे भैया फंस गए, छोटे भैया फंस गए, जाल में देखते ही देखते पहुंचे हैं पाताल में। देखते ही देखते पहुंचे हैं पाताल में। देखते ही देखते पहुंचे हैं पाताल में। देखिए पाताल में पहुंचकर क्या देखते हैं लखनलाल प्रभु जी की माया। एक सुंदर महल बनाया है और उस सुंदर महल में एक कन्या वरमाला लेकर लखनलाल के गले में पहनाने के लिए आ रही है। चहल पहल देखी लखनलाल ने, सब कुछ भूल गए कि मैं कहां हूं। और जैसे भैया वरमाला डली, पाताल में लखनलाल की ससुराल बन गई। 1000 वर्ष लखनलाल पाताल में निवास किया है। इधर प्रभु राम जी सरयू किनारे माया दिखा रहे हैं। देखते ही देखते पहुंचे हैं पाताल में। देखते ही देखते पहुंचे पाताल में। देखते ही देखते पहुंचे पाताल में। रहते रहते लखन को बीते वर्ष 1000 और उस कन्या से पैदा हो गए सुंदर दो सुकुमार। उस कन्या से दो बालक पैदा हुए। पाताल में ही लखनलाल की ससुराल चल रही है। बड़े मौज से जिंदगी कट रही है। इधर प्रभु माया दिखा रहे हैं। मौज से कटने लगी है, मौज से कटने लगी है, मौज से कटने लगी है, जिंदगी ससुराल में। देखते ही देखते वो पहुंचे हैं पाताल में। अब लखनलाल को होश आया कि मैं कहां हूं और ये क्या जंजाल है। जाने के लिए वापिस झटपट आने लगे तो वो कन्या कहने लगी, तुमने जीवन भर का रिश्ता निभाया है मुझसे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या कहती है वो कन्या, अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारे दे दोनों लाला को साथ ले जाओ। तुम तो परदेसी हो, परदेसियों से प्रीत लगाना भी ठीक नहीं है। और कन्या क्या कहती लखनलाल से, हर परदेसी, ये परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं। मेरी बात मान लो, बड़े अच्छी जिंदगी कटेगी मेरे साथ में। हर मुझे छोड़ के, हर मुझे छोड़ के, परदेसी, परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं।